माय डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट एक आज के डेट में एक बहुत ही सुविधाजनक चीज़ है। बिना इंटरनेट की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि बिना इंटरनेट के हम लोग कोई भी कार्य कर सकते हैं। इंटरनेट का महत्व दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इंटरनेट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है जिसका हम लोग लाभ उठाकर कई कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसी से मिलता जुलता एक शब्द है इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है, इसके बारे में, इंटरनेट के बारे में तो हम लोग कुछ जानते भी हैं कि इंटरनेट क्या होता है, लेकिन इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आज हम लोग समझेंगे कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंसेज होता है। इंटरनेट कोई कह देता है जिसको सभी लोग जानते हैं, इंटरनेट हमारे लिए आवश्यक आवश्यकता है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन एक शब्द है इंट्रानेट। इंटरनेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। तो आज का पॉइंट हम लोग का यही है कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है, इंटरनेट की क्या लिमिटेशन है, इंटरनेट की क्या लिमिटेशन है, इंटरनेट का क्या कार्य है, इंटरनेट का क्या कार्य है, ये हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट और इंटरनेट के बीच में क्या अंतर है। यहाँ पर इधर की तरफ है इंटरनेट, उधर गए इंट्रानेट। इसमें पहला पॉइंट है ए वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड इज अवेलेबल टू ऑल। इसका मीनिंग हुआ कि यह एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और यह सबके लिए है। ये नहीं कि इनके लिए है इनके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये ऐसा नेटवर्क है जो सभी लोग उसका प्रयोग कर सकते हैं। इधर इंटरनेट में क्या होता है, ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ यूजर्स। इंटरनेट क्या है, एक ऐसा नेटवर्क जिसको सभी लोग यूज नहीं कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक एक विशेष ग्रुप के लोग ही उसको यूज कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, इंटरनेट। इंटरनेट को कोई भी यूज कर सकता है, वाइडली है, पूरे विश्व में है, लेकिन इंटरनेट एक विशेष ग्रुप के लिए बना सकते हैं, जिस इस एक विशेष ग्रुप के लिए डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें उस विशेष ग्रुप के यूजर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट। इसमें लार्ज नंबर ऑफ, ज्यादा मात्रा में इंटरनेट पाया जा सकता है या रख सकता है। इंटरनेट में ज्यादा मात्रा में इंट्रानेट हो सकता है या पाया जाता है। अब इंटरनेट में देखेंगे, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम इंटरनेट विथ रेस्ट्रिक्शन। यह जो है इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है कुछ रेस्ट्रिक्शन के द्वारा, कुछ उसमें रोकथाम के द्वारा हम लोग इंटरनेट को पा सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। इधर हम चलते हैं इंटरनेट में, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इज अनलिमिटेड। इंटरनेट यूजर की संख्या, जो इंटरनेट प्रयोग करने वाले लोग हैं उनकी संख्या क्या है, अनलिमिटेड है, असीमित लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है। उसी तरह दूसरी तरफ क्या है, नंबर ऑफ यूजर्स इज लिमिटेड। इंटरनेट में यूजर्स की क्या है, संख्या लिमिटेड है, लिमिट में यूजर रहेंगे, कम संख्या में होगा तो कम रहेंगे, जितने का ग्रुप रहेगा उतने रहेंगे, यानी इंटरनेट से इसकी संख्या क्या होगी, यूजर्स की कम होंगी। इंटरनेट में यूजर की संख्या अनलिमिटेड होती है और इंटरनेट में यूजर की संख्या क्या होती है, लिमिटेड होती है। अगला इसमें क्या पॉइंट है, विजिटर ट्रैफिक इज अनलिमिटेड। इसमें विजिटर ट्रैफिक क्या होता है, विजिटर ट्रैफिक होता है जैसे कहीं भी हम लोग सर्च कर रहे हैं तो उसमें कितने लोग सर्च कर रहे हैं, इसमें क्या है, अनलिमिटेड है, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं बनाई गई है। इंटरनेट में किसी प्रकार का लिमिटेशन नहीं बनाई गई है कि ट्रैफिक कितना रहना चाहिए, कितना इसमें भीड़ होना चाहिए। इसमें क्या है, ट्रैफिक अलाउड इज लिमिटेड। इसमें ट्रैफिक की को क्या किया गया है, लिमिटेड किया गया है। इंटरनेट में ट्रैफिक को लिमिटेड किया गया है, इसमें कम ट्रैफिक रहेगा, निश्चित ट्रैफिक रहेगा कि जितना होना चाहिए उतना ही ट्रैफिक रहेगा, लेकिन इंटरनेट में ट्रैफिक क्या होगा, अनलिमिटेड होता है। अगला पॉइंट, इट कंटेन्स वेरियस सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। या कई प्रकार के इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है, या इसके द्वारा हम लोग कई प्रकार के इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, या कई प्रकार के इंटरनेट इंफॉर्मेशन को यह रखता है।
इंटरनेट कई प्रकार के इंफॉर्मेशन को रखता है। इट कंटेन ग्रुप स्पेसिफिक, यानी यह ग्रुप से संबंधित, यूजर के ग्रुप से संबंधित जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगा वही रखेगा और एक्स्ट्रा चीजों को नहीं रखेगा। इंटरनेट में ये होता है। इट हैज कमर्शियल पोटेंशियल, इसका क्या है, कमर्शियल पोटेंशियल है या कमर्शियल प्रयोग किया जा सकता है, इंटरनेट का प्रयोग कमर्शियली प्रयोग कर सकते हैं। दैट इज एग्जाम्पल के तौर पर क्या दिया गया है, वी कैन जनरेट इनकम फ्रॉम इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट से क्या कर सकते हैं, इनकम को जनरेट कर सकते हैं, इनकम प्राप्त कर सकते हैं, इनकम पैदा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्या है, इंटरनेट इज रिलेटिवली सेफर नेटवर्क, यह क्या है, इसकी तुलना में सेफ होता है, इंटरनेट की तुलना में इंटरनेट क्या होता है, सेफ होता है, इंटरनेट की तुलना में इंटरनेट क्या होता है, सेफ होता है। लेकिन बेसिक जो अंतर है वो यही है कि इंटरनेट क्या होता है, बड़ा होता है, इंटरनेट छोटा होता है, इंटरनेट में लिमिटेशन भी नहीं होता है, ट्रैफिक का भी लिमिटेशन नहीं होता है, यूजर का भी लिमिटेशन नहीं होता है। इंटरनेट में ट्रैफिक का लिमिटेशन है, यूजर का लिमिटेशन है, इसमें स्पेसिफिक ग्रुप के लोग नहीं देख सकते हैं, इसमें स्पेसिफिक ग्रुप के लोग ही, यूजर ही इसको कार्य को कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, यह वाइडली यूज किस सबके लिए है और ये कुछ यूजर के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरनेट, ये बहुत ज्यादा अमाउंट में इंटरनेट को रख सकता है और इसमें जो है इंटरनेट का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं कुछ रेस्ट्रिक्शन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा एक दूसरे ग्रुप से हम लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके बाद इसमें क्या है, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर इज अनलिमिटेड, इसमें इंटरनेट यूजर की संख्या अनलिमिटेड होती है, इसमें इंटरनेट यूजर की संख्या लिमिटेड होती है, इसमें ट्रैफिक क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, इसमें ट्रैफिक की लिमिटेशन होती है। यह जो है कई तरह के इंफॉर्मेशन को रख सकता है, यह स्पेसिफिक ग्रुप जो बनाया गया है या उससे संबंधित इंफॉर्मेशन को ही रख सकता है, इसको कमर्शियली हम लोग यूज कर सकते हैं और इस इंटरनेट को कमर्शियली यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे, कोई जो जिस कार्य के लिए बना है उसी के लिए बना, उस पर उस यूज हम लोग कर पाएंगे, यह इंटरनेट से ज्यादा सेफ होता है। ठीक है, तो इंटरनेट और इंटरनेट दोनों चीज आवश्यक है, इंटरनेट बड़े लेवल पर होता है, इंटरनेट छोटे लेवल पर होता है, इसमें ट्रैफिक अनलिमिटेड है, यूजर अनलिमिटेड है, इसका कमर्शियली यूज हम लोग कर सकते हैं, इसमें ट्रैफिक लिमिटेड है, यूजर लिमिटेड है, इसका कमर्शियली यूज हम लोग नहीं करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में इंफॉर्मेशन रखती है, इसमें जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रहती है। यार आ इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर, आज मैंने आपको ये टॉपिक बताया कि इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।